देखिए थाना लोहा मंडी के अंतर्गत जो राजनगर है वहां से एक वादी आता है जो बताता है कि उसका मोबाइल चोरी हो गया है। उसके कुछ देर बाद तकरीबन 7 घरों से अलग अलग लोग आते हैं जो बताते हैं कि रात में उनके घर से मोबाइल चोरी हो गया है। पुलिस इस पर तुरंत एक्टिव होती है, टीम बनाई जाती है। जब पुलिस तफ्तीश करती है, घटनास्थल का निरीक्षण करती है, तो जो अलग अलग चोर हैं उनसे पूछताछ की जाती है निशानदेही पे, तो उसमें एक लड़का है जिसपे शक होता है उसको पकड़ा जाता है, जिसका नाम राहुल है, पुत्र गोपी जिसका नाम है। उससे जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ये इसने मोबाइल चुराया है। उसके पास से 10 मोबाइल बरामद होते हैं और इसका जो चोरी करने का तरीका था, ये रात में खुले घर देखता था और छत देखता था जहाँ पे खुली है वहाँ से एंट्री लेता था और सोते हुए लोगों के पास से मोबाइल उठा के चला जाता। सर केवल मोबाइल चोरी करने की क्या वजह रही, किसी के घर में घुसा, अन्य कीमती सामान नहीं चुरा, सिर्फ मोबाइल चोरी? देखिए जो फर्स्ट इंस्टेंस में हमें पता चला है कि मोबाइल जो है लोगों के पास रखे होते हैं वो आराम से उठाए जा सकते हैं, क्योंकि बाकी अगर ताला तोड़ेंगे सामान चुराएंगे तो खटपट की आवाज़ आती है, तो सबसे इसको इजी मोबाइल चुराना लगता था, तो यही मोबाइल की चोरी सर्वप्रथम करता था। इसने GRP से भी शायद मोबाइल की चोरियाँ की, वहाँ का हम आपराधिक इतिहास निकलवा रहे हैं और जो भी होगा इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनुमानित कीमत क्या रही? देखिए जो मार्केट की अनुमानित कीमत है तकरीबन 1.5 से 2 लाख के बीच में मोबाइल की कीमत अभी आती है। तकरीबन 10 मोबाइल एक ही घर से चोरी किए गए? नहीं, ये 7 अलग अलग घर से मोबाइल चोरी किए गए हैं। ये सारे कंप्लेनेंट की जो FIR है, की FIR इन्होंने कराई हुई है और सारे मोबाइल सर्विसल बरामद कर लिए। सातों शिकायत कर तो सर एक ही थाने के थे? सातों एक ही थाने के थे, एक ही मोहल्ले के थे, जिनके घर में घुस के इन्होंने खुले दरवाजे में घुसे हैं, छत से घुसे हैं, अलग अलग तरीके से चोरी कर। ठीक है सर।